इन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की जर्नी से लेकर स्टाफ के बारे में लेकर के, हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो गया उसके बाद 10 दिन तक क्लोटिंग कैसे हटाई, फिर उसके बाद 1 महीने तक कैसे रहे, उसके बाद पेन होता था नहीं होता था, इन्होंने सारी बातें शुरू हुआ शेडिंग फेस में बाल झड़ने लग गए, दैट टाइम आई वाज लिटिल वरीड कि ये क्या हो रहा है करके, बट देन डॉक्टर्स ने कहा ये सब इट्स नॉर्मल। मुझे बताया कि तुम्हारा हेयर के लिए अराउंड 3200 से 3400 ग्राफ्स लगेंगे, तो ये तरीके से प्रोसीजर होगा। तो आई थॉट ठीक है अच्छा है चलो, इमीडिएटली आई सेड कि हाँ चलेगा वी कैन स्टार्ट इट। तो नेक्स्ट डे से ही उन्होंने मेरा प्रोसीजर शुरू किया, 2 दिन का प्रोसीजर हुआ। तो प्रोसीजर करते समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ कुछ हो रहा है करके, बिकॉज एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है एंड इट्स सेफ प्रोसीजर। मैंने बीच में लास्ट टाइम कुछ और डॉक्टर्स की भी दवाई की थी जिससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे थे, तो जिससे मुझे मोहित भाई का वीडियोस काफ़ी इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी सारे केस स्टडीज थे उसमें, काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स के वीडियोस थे, तो आई गॉट इंस्पायर्ड। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो जो है एक केस स्टडी होने वाली है संदीप जी के ऊपर। संदीप जी जो कि वसई में मुंबई के अंदर ही रहते हैं, इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट जनवरी में करवाया था और आज 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के। तो मैं आज मिलवाता हूं आपको संदीप भाई से और बताता हूं कि इनको कितने ग्राफ्ट लगे थे, क्या लगे थे, कैसा रिजल्ट आया है, क्या इन्हें पेन वगैरह होता था या नहीं होता था, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ये लोग क्या फील करते हैं, कैसा नहीं फील करते हैं, क्या फील नहीं करते हैं का मतलब ये, कॉन्फिडेंस कैसा था इनों का, सामाजिक जीवन कैसा था, क्या ये लोगों से दूर हटते जा रहे थे या नहीं हटते जा रहे थे, वो सारी बातें जानेंगे हम संदीप भाई से। तो संदीप भाई थोड़ा बताएं अपने बारे में। हेलो मोहित जी, हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम संदीप है और मैं वसई में रहता हूँ। तो इनिशियली मेरा बाल्डनेस जो है वो 2012-13 के आसपास शुरू हुआ था, तो दैट टाइम थोड़ा बाल पीछे चले जा रहे थे, तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ बॉन्डनेस हो रहा करके, तो वही टाइम से थोड़ा फिकर शुरू हुआ था कि हाँ अभी क्या करना चाहिए करके। तो वही काफ़ी सारे वीडियो सर्च किए कि ऐसे कुछ होता है कि जो मतलब हेयर ट्रीटमेंट हो जाए अच्छा सा, तो काफ़ी सारे मैंने बीच में लास्ट टाइम कुछ और डॉक्टर्स की भी दवाई की थी जिससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूबर्स के वीडियोस भी देखे थे, तो जिससे मुझे मोहित भाई का वीडियोस काफ़ी इंस्पायरिंग लगा, काफ़ी सारे केस स्टडीज थे उसमें, काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स के वीडियोस थे, तो आई गॉट इंस्पायर्ड टू दैट। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ करना चाहिए, बिकॉज दैट टाइम जब हमारे हेयर रिसीडिंग होना शुरू होते तो ऑब्वियसली हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वीडियोस देख के मैंने सोचा था कि उन्होंने हेयर एंड शेप क्लिनिक के बारे में वीडियोस डाले थे कि यहाँ का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, तो दैट टाइम मैंने वहाँ पे जाके एक बार विजिट किया था, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से, कंसल्ट किया और उन्होंने सब मुझे प्रोसीजर बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दैट टाइम उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा हेयर के लिए अराउंड 3200 से 3400 ग्राफ्स लगेंगे, तो ये तरीके से प्रोसीजर होगा। तो आई थॉट ठीक है अच्छा है चलो, इमीडिएटली आई सेड कि हाँ चलेगा वी कैन स्टार्ट इट। तो नेक्स्ट डे से ही उन्होंने मेरा प्रोसीजर शुरू किया, 2 दिन का प्रोसीजर हुआ। तो प्रोसीजर करते समय तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ कुछ हो रहा है करके, बिकॉज एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है एंड इट्स सेफ प्रोसीजर, इट हैपेंड वेरी सेफ। द स्टाफ ओवर हियर वॉज वेरी गुड, डॉक्टर्स वर वेरी कोऑपरेटिव, स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव, टेक्नीशियंस वर गुड। The lunch that was provided, I think that was also very good. और ओवरऑल यहाँ का काफ़ी सब कुछ काफ़ी अच्छा था। 2 दिन मेरा सेशन हुआ एंड आफ्टर दिस सेशन देर वर सम यू नो प्रिकॉशंस टू बी टेकन, दैट डॉक्टर एडवाइज कि ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए एंड आई डिड दैट। और फिर शेडिंग फेस शुरू हुआ, शेडिंग फेस में बाल झड़ने लग गए, दैट टाइम आई वॉज लिटिल वरीड कि ये क्या हो रहा है करके, बट देन डॉक्टर्स ने कहा ये सब इट्स नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद आई थिंक द हेयर स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी नाइसली एंड नाउ द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई थिंक या इट्स गुड, आई एम ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड नाउ ऑफकोर्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज ऑल्सो बूस्ट। आपने बोला कि अभी ना कि आप मेडिसिन वगैरह लेते थे, तो मेडिसिन से कुछ असर पड़ा था या नहीं पड़ा था उस टाइम पर? यस यस, मेडिसिन से तो डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन इनिशियली वो शुरू रखना चाहिए बिकॉज दैट इज द यू नो बेस ऑफ दैट दिस हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो शुरू रखना ही चाहिए उन्होंने बोला था, तो
वो शुरू है अभी फिलहाल तो मेडिसिन, खाली एक महीने से बीच में बंद किया था, बट अभी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि वो शुरू रखना चाहिए। और अभी आपने बोला कि जैसा कि आपका जब हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हो रहा था तो पेन वगैरह हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो एक बार थोड़ा और नहीं, नहीं वो प्रोसीजर था वो पेनलेस था बिकॉज एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है तो इतना पेन का महसूस नहीं होता है, तो इट्स अ सेफ प्रोसीजर। और बाद में हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद पेन वगैरह हुआ कुछ? हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद नहीं, इतना पेन नहीं होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है एक मुझे लगता है 10-12 दिन के लिए, वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पेन है, इट्स बेरेबल एंड इट्स गुड। और प्रिकॉशंस के लिए आप क्या करते थे कि क्या करना होता है प्रिकॉशंस लेने? प्रिकॉशंस के लिए आई थिंक मैं एक महीने में शुरू के एक 10 दिन तो मैंने छुट्टी लिया था, तो आई वॉज एट होम ओनली, तो मुझे बताया गया था कि इनिशियली जब सोते हो तुम तो तुम्हारा सर जो है वो ऐसे रख के सो जाइए, इसके सारे सुना होता है। हाँ तो यू नो कि यहाँ पे फिर कुछ ये ना हो जाए, तो इनिशियली तो एक हफ्ता भर तो वैसे किया था मैंने, फिर वो बताते हैं कि हेयर कितने दिन के बाद वॉश करना चाहिए, तो वो सब अकॉर्डिंगली मैंने किया था। तो शुरू के 10 दिन तो एकदम अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, एंड बाद में मुझे लगता है 10 दिन के बाद थोड़ा बहुत आप लोग ये कर सकते हो, बट स्टिल अराउंड अ मंथ आप लोग को थोड़ा केयर करना चाहिए। धूप में जाते रुमाल बांध के जाते थे, हैंकी बांध के जाते थे दुनिया के सामने? नहीं, मैंने हैंकी यूज़ नहीं किया बिकॉज इनिशियली 10-12 डेज तो मैं घर पर ही था, उसके बाद जब मैं ऑफिस वगैरह जाता था तो मैंने खुला ही रखा था, एक दो बार कभी मैं बांध के चला जाता था कि मुझे लगता था कि ज़्यादा यहाँ पे डस्ट वगैरह हो सकता है, तो मैं थोड़ा केयर करने के लिए बांधता था। केयर वगैरह करिए आप? यस। अच्छा ठीक है। और ब्लड क्लोटिंग हटाने के लिए आपका किस कब से आपने ब्लड क्लोटिंग वगैरह हटानी स्टार्ट कर दी थी? ब्लड क्लोटिंग मुझे लगता है सेकेंड डे से ही, जब मेरा बैंडेड निकाला गया तो सेकेंड डे से उन्होंने कहा था कि आप जो सोल्यूशन वगैरह दिया था वो लगा के उन्होंने कहा था कि वो निकाल दीजिए, सेकंड डे से ही पीछे वाला, यस यस पीछे वाला, हाँ जो प्लॉटिंग है वो सेकंड डे से ही साफ करने बोला था उन्होंने, यस ये वाला यहाँ, अच्छा वो वाला क्लोटिंग, ओके ओके यस, वो जो है वो मेरे को लगता है 7-8 डेज के बाद उन्होंने कहा था कि आप वो उसका भी एक प्रोसीजर है कि आप बेबी शैम्पू लो, उसके अंदर थोड़ा कुछ बेबी शैम्पू और आई थिंक समथिंग कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, तो वो मिक्स करके आई थिंक वी हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, और वो हल्के से हमें हल्के हाथ से हमें रगड़ना होता है लाइक दिस, और हल्के से वो क्लॉट निकालना होता है, तो वो सब बताया गया था वो टाइम पे, तो अकॉर्डिंगली मैंने किया था सब। तो दोस्तों आप सबने जाना एक बंदे से जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, इन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की जर्नी से लेकर स्टाफ के बारे में लेकर के हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हो गया उसका, उसके बाद 10 दिन तक क्लोटिंग कैसे हटाई, फिर उसके बाद एक महीने तक कैसे रहे, उसके बाद पेन होता था नहीं होता था, इन्होंने सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आएगी। और एक बार मैं 5 से इनका रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कैसे बाल हैं क्या है, और ये कटिंग वगैरह करवाते हुए बाल बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अभी एक बार मैंने कटिंग करवाया, मुझे लगता है रिसेंटली गए हफ्ते मैंने कटिंग करवाया है, और ये बाल बड़े होते हैं ना? हाँ बड़े होते हैं। तो दोस्तों जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाल होते हैं वो ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ग्रो नहीं करते हैं। मैं एक बार इनका हेयर ट्रांसप्लांट दिखा देता हूँ कैसा हुआ है क्या हुआ है। देखो दोस्तों इस तरीके के बाल हैं, और इस तरीके के ही आपके बाल आएंगे, ठीक है ना? और ये देख लो आप ऐसे एक बार ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को जो है इनका रिजल्ट अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अपने गंजे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज वो बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि बेल आइकन के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है और बेल आइकन दोबारा से गायब हो गया, बहुत सारे लोगों का ऐसी कंप्लेन मेरे पास आ रही है, तो बेल आइकन एक बार जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।